फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है हसन बाई टू काइंड ऑफ क्लॉथ मेटीरियल। हसन एक नाम है, उसने दो प्रकार के कपड़े के मेटीरियल को उसने खरीदा फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मेटीरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मेटीरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। जो उसने जो है कपड़ा खरीदा है वो शर्ट मेटीरियल का वो ₹50 पर मीटर के हिसाब से है और ट्राउजर के जो कपड़ा है उसका ₹90 पर मीटर के हिसाब से। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, प्रत्येक 2 मीटर ट्राउजर के लिए जो हमारे पास उसको जो चाहिए शर्ट मेटीरियल चाहिए 3 मीटर चाहिए। 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा ले रहा है तो 3 मीटर उसे जो है शर्ट का कपड़ा लेना पड़ेगा। He sell that material 12% and 10% profit respectively. उसे जो है वो बेच देता है। कैसे बेचता है? 12% और 10% के profit पर उसे बेचता है। उसके बाद his total sell is ₹36,660. तो उसका total जो selling price है वो है ₹36,660. How much trouser material did he buy? उसने ट्राउजर मटेरियल वो कितना खरीदा है ये हमें बताना है। तो पहला काम क्या करते हैं, लेट ट्राउजर 2x, 2 मीटर पर 3 मीटर जो है शर्ट मटेरियल चाहिए। तो लेट द लेंथ ऑफ, फर्स्ट है ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल is equal to 2x and the length of shirt material that is equal to 3x. ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है यहां पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई, यहां पर लिखेंगे ट्राउजर और ये है आपका शर्ट मेटेरियल। दोनों के लिए पहले हम ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस ट्राउजर की और कॉस्ट प्राइस यहां पर शर्ट, हम बारी बारी से इनको अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। तो शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है ₹50, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल ₹50, ठीक है। और ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो कितनी दी गई है, वो दिया गया है ट्राउजर की कॉस्ट जो है ये हमारे पास 90, तो ये हमारे पास ₹90। हम इसमें क्या करते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। दोनों का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जब हम जोड़ते हैं तो यहां पर बोला गया है ये है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि वो जो है ट्राउजर के मटेरियल पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्राउजर हमारे पास ट्राउजर के मटेरियल पे उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 12/100। ऐसे ही हम शर्ट का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस और इनटू। अब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10/100। हम इसको और सिंपल करेंगे, कॉस्ट प्राइस ट्राउजर की 90 है, 90 × 12/10, हियर 50 + 50 × 10/100। टी एस कहां पर, टी एस लिखा, ये ट्राउजर है और ये शर्ट है। ट्राउजर के लिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, ट्राउजर दो ही तो मटेरियल है, एक ट्राउजर का कपड़ा है एक शर्ट का कपड़ा, ठीक। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहां पर देखते हैं कि एक जीरो जो है ये हमारे पास हो गया 90 प्लस ये 108 और ये हमारे पास जो है 10.8, तो ये हमारे पास ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 100.8 रुपीज जो है उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। और जो हमारा शर्ट है वो है 50, ये हमारे पास एक जीरो से जीरो ये कट जाएंगे, 50 + 5 दैट इज इक्वल टू 55 रुपीज। तो इसके जो है दोनों की सेलिंग प्राइस है, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, टोटल
टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो ये 100.8 ऑफ 55 इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास जो है ये जो वैल्यू दिया गया है वो हमारे पास हम इसमें से फाइंड करेंगे। तो अब यहां पर एक्चुअल में इसकी एक एक मीटर की सेलिंग प्राइस है और जो टोटल हमारा एक्चुअल में जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है 36,660। ये जो है हमारा क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया। अब हम काम क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ट्राउजर की लेंथ कितनी है 2x, शर्ट की लेंथ कितनी है 3x और एक ट्राउजर के द्वारा सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 100.8 और एक शर्ट 100 ये 10.8 है तो ये आपके पास 55 आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 100.8 इंटू ट्राउजर की है लेंथ 2x प्लस और यहां पर हो गया 55 इंटू लेंथ कितनी है 3x दैट इज इक्वल टू 36,660। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, हियर इंप्लाइज दैट हियर x 28 या 16 1 0 प्लस और 55 यहां पर 3x है, दिस इज द 3x तो x 5 3 15 1 5 3 15 165 x। अब हम इसको जो है थोड़ा सिंपल करेंगे 366.6 x is equal to 36,660। अब हम यहां से क्या करते हैं x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो दिस इज 36,660 अपॉन 60.6। हम यहां इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर भी हम 10 का मल्टीप्लाई 0 बढ़ा लेते हैं, ये पूरा इससे कट जाता है दैट इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 100 है। अब इसके बाद जो है यहां पर हमारे पास अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया तो ट्राउजर मटेरियल तो नाउ टोटल लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2 × 100 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपका आंसर। एक बार फिर मैं इसको आपको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी की क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। हार्दिक भट्ट जो है इनका हाथ ऊपर है, कृपया जो है हार्दिक भट्ट आस्क योर क्वेश्चन इफ एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई क्वेरी है मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारे पास जो है दो टाइप के क्लॉथ मटेरियल, कपड़े के मटेरियल, एक मटेरियल है ट्राउजर और एक है शर्ट मटेरियल। अब कहा गया साथ में ये भी कहा गया है हर 2 मीटर ट्राउजर के कपड़े पर शर्ट के कपड़े कितने चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 3 मीटर ठीक है। कास्ट प्राइस दोनों की दी गई है, ट्राउजर की 90 रुपीज और शर्ट की 50 रुपीज ठीक हो गया। अब उनसे द्वारा हम सेलिंग प्राइस उन दोनों की प्रॉफिट के आधार पर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ट्राउजर की संख्या 2x है तो ट्राउजर के सेलिंग प्राइस में 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे, शर्ट की संख्या हमारी 3x है तो शर्ट के सेलिंग प्राइस में 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को ऐड करने पर जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है 36,600 इसे हम निकाल करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, दैट x की वैल्यू क्या हो गई 100। अब हमें पूछा गया है केवल ट्राउजर की बात किया गया है, 2x है तो 2 × x कर देंगे, 2 × 100 = 200। अगर हमसे शर्ट पूछा गया होता तो 3 × x करते हमारा 3x हो जाता। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़े, कोई क्वेरी है तो आपके सिस्टम में हैंड अप का जो है ऑप्शन है वो आप वहां पे लिख सकते हैं।
जिनकी क्वेरी होगी उन्हीं को मैं अनम्यूट करूंगा, वे अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर एट, एक क्वेश्चन क्या है, उसको केयरफुली बहुत ध्यान से सुनना है। फर्स्ट है, हाफ ऑफ दी हर्ड्स, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हो गया, द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड फाइंडिंग नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। हमें बताना है कि एक जो है आपके हिरण का झुंड है और उसमें से फील्ड में उसका लिखा गया है थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग, यानी आधे जो है घास चर रहे हैं, तीन चौथाई जो है पास में खेल रहे हैं, नाइन जो है पॉन्ड पर ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, झुंड में कितने हिरण है इसे हमें फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे लेट लेट the number of deer, number of हमारे जो है deer की संख्या is equal to x मान लिए। अब हम क्या करते हैं, according to question, question के अनुसार जैसा question में कहा गया है उसकी हम requirement को पूरी करते हैं। तो grazing, ठीक है, grazing, grazing की संख्या कितनी हो गई, x upon 2, आधे जो है घास चर रहे हैं। उसके बाद प्लेइंग, प्लेइंग की संख्या, प्लेइंग वाली संख्या हमारी कितनी है, थ्री फोर, थ्री बाई फोर। अब साथ में जो है अब कितने बच गए, जो रिमेनिंग है बचे हुए का तीन चौथाई, तो यहां पर जो एक्स था एक्स में से एक्स बाई टू तो चला गया है, यानी आधे जो है घास तो चर रहे हैं, अब आधे बचे हैं ना, तो आधे का ही हम निकालेंगे थ्री फोर, दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर इंटू एक्स बाई में टू, दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई में एट। इतना जो है खेल रहे हैं और साथ में जो है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पानी कितने पी रहे हैं, नाइन। अब इसके बाद जो है हम इसमें क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, यानी हमारे पास जो संख्या हो रही है नाउ, ये सभी संख्या यानी कि आधे घास चल रहे हैं वो, प्लस 3x बाई में 8 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू ये क्या हो गया x, यानी टोटल संख्या हमारी इसके बराबर हो। अब हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर हम इसमें जो है एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, यहां पर 2 फोर जाए यहां पर 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितने हो गए 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। x को हम 7x को उधर ट्रांसफर करेंगे वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, और हियर इज 72 is equal to 8x minus 7x, here 72 is equal to x, x की संख्या कितनी हो गई 72, तो यही हमारा क्या है आंसर है, जो झुंड में हिरण की संख्या कितनी है वो हिरण की संख्या हो गई 72, there are 72 deers in the herd, तो उसमें जो है 70। अब फिर समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, टोटल नंबर x है, आधे घास चरने गए हैं, आधे जो बचे हुए हैं उनका 3 बाई 4 जो है खेल रहे पास में, और 9 जो है बचे हुए 9 जो है वो ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहे हैं। इन तीनों को जोड़ा जाए तो टोटल नंबर के बराबर आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को हम यहां पे फाइंड कर, ठीक है। तो जिसकी भी क्वेरी हो कृपया जो है अपनी क्वेरी पूछ सकता है, और उसके अनुसार यहां पर हाँ ये आदित्य गर्ग, आदित्य गर्ग आस्क योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ट्राउजर्स का जो सॉल्व करा है, हाँ बेटा, उसमें सी एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस सी पी इंटू 12 अपॉन 100 करा है, तो सर उसके बाद 90 प्लस 90 इंटू 12 अपॉन 10 क्यों कर दिया। मैं बिल्कुल आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, देखिए क्या है,
कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस जो होता है ना, सेलिंग प्राइस तभी फाइंड होता है जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, 12% यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए ट्राउजर की है, ट्राउजर का प्रॉफिट 12% का है और शर्ट का प्रॉफिट 10% का। तो ट्राउजर के कॉस्ट प्राइस का 12% निकालेंगे, उतना ये प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हम उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, देन वी गेट दिस सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? तो सर जैसे आपने सीपी इनटू 12 अपॉन 100 कराया, तो 90 इनटू 12 अपॉन 100 आना चाहिए ना? हाँ, ये अच्छा, आप जीरो की बात कर रहे हैं, सॉरी बेटा, ये जीरो जो है मिस हो रहा था, वो आप ठीक कर, जीरो मिस हो रहा भाई, 100 और सर 90 प्लस हमने लिखने में 90 प्लस 10 कैसे आया? हां ओके सर, 90 प्लस 10 कैसे आया? 90 प्लस 10 कैसे आया? अभी क्या है ना, 12 में 9 का मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय 10 भी तो करेंगे, तो 1 का डेसिमल नहीं लगेगा सर। आपने 0 डिवाइडेड बाय 10 सर, नीचे 5 आएगा ऊपर 6 आएगा, नहीं 5 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं करोगे, मैं डेसिमल में लिखा है ना बेटा, मैंने अक्षय वार्ष ने आस्क योर क्वेश्चन। अक्षय वार्ष ने, यस बोलिए सर। हमें सर ये तीसरी लाइन जो आपने लिखी है, ये तीसरे पैराग्राफ में सर वो दिख नहीं रहा, उस पर धूप पड़ रही है। तीसरी लाइन ये यहाँ पर ये सर, यस सर। ओके अब दिख रहा है बेटा, हमने डार्क कर दिया सर, अब दिख सर दिख रहा है। 72 = 8x - 7x = 72 इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके नाउ तो बेटा अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है। क्वेश्चन नाइन क्या कहता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। अ ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। दादाजी जो है अपनी पोती से कितने टाइम है, 10 times ठीक है। उसके बाद ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। वे जो है अपनी पोती से 54 ईयर ओल्डर मतलब बूढ़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहां पर हम काम शुरू करते हैं। पहला काम जो है ध्यान से सुनिएगा, लेट द ग्रैंडडॉटर, लेट द ग्रैंडडॉटर एज is equal to x year। वहां बैठ जाए बेटे, सामने बैठो इधर। और इसके बाद जो है, so grandfather is equal to, वो कितने साल है, 10 year, here is the 10x। okay जी, granddaughter और grandfather, तो दोनों की बातें हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 10x में से x को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 54। ठीक है, 10x माइनस x इक्वल टू 54। 10x में से x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 54। x इक्वल टू 54 बाई में 9, that is equal to कितना हो जाएगा, 6। तो x कितना हो गया, 6 year। तो 6 साल की उसकी जो है granddaughter, g daughter, d a u g s t e r, granddaughter की उम्र 6 साल और grandfather की उम्र कितनी हो जाएगी, 60 year। तो ये जो है हमारा आंसर है, इसको आसानी से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। अभी भैया अक्षय वार्ष्णेय की कोई क्वेरी है, अक्षय वार्ष्णेय अपना क्वेरी पूछे सर, फिर से नहीं दिख रहा, फिर
से नहीं दिख रहा है बेटा, यहाँ पे खुलासा क्या है ना, लाइक इतने आ गए, अब दिख रहा होगा बेटा? हाँ सर दिख रहा है। हाँ तो मुझे खड़े होना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है सर, वो सेट से ही खड़े हो रही है। हाँ तो वो मुझे यही खड़ा कर दो बस, ठीक है सर? ठीक है हाँ ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 10 में लिखा है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज वो है 10 टाइम है कितना उसके जो है सन्स एज, उसके बेटे की उम्र की, ठीक है बेटा? तो अमन की एज जो है 3 टाइम्स सन्स एज है। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम हिज ओल्ड हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहां पर लिखा है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें, मान लेते हैं लेट अमन सन्स एज, लेट सन्स एज इक्वल टू एक्स ईयर, एंड उसके बाद अमन एज इज इक्वल टू, अब क्या कहा गया है, 3 टाइम हिज सन्स एज, यानी कि 3x। अमन की उम्र जो है उसके बेटे की उम्र की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है? और 10 ईयर अगो 10 साल पहले, दोनों की उम्र 10 ईयर अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है 3x माइनस का 10 और इधर x माइनस का ये भी आपका 10। 10 साल पहले अमन की एज जो है उसके बेटे के उम्र की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी 3। वाच, तब इसको सॉल्व करेंगे, हियर 3x माइनस का 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, x को एक तरफ करेंगे, इंप्लाइज दैट 50 माइनस 10 इक्वल टू 2x, और यहां पर फिर हम इसे थोड़ा सा सिंपल करते हैं, यहां हमारे पास जो है ये हो गया this is equal to 40 is equal to 2x, so here 40 by में 2 is equal to x, x की कितनी हो गई 20 year, यानी कि son जो है is equal to 20 year और father अमन की उम्र कितनी थी, अमन की उम्र जो है 3x, 3 × 20 यानी कि 60 ईयर, ये दोनों जो है हमारे क्या हो गए, उसके आंसर हो गए। एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से बच्चों, अमन के उम्र जो है उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी थी, अमन्स एज इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, सो लेट अमन सन्स एज इक्वल टू एक्स एंड अमन एज इक्वल टू यहां पर 3x, 10 ईयर अगो, ये सॉरी यहाँ पे 5 ईयर यहाँ पे दिखा गया है, 10 साल पहले उसके पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र की 5 गुनी हो जाएगी। इक्वेशन बनाएंगे और हम इसे जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटा? और कोई क्वेरी किसी की इसमें, अक्षय पास में कोई प्रॉब्लम है सब पहले को खुला? हाँ बोलो बेटा, अक्षर आशय आस्कुअर करी, चलिए तो अब बेटा हमारे पास टाइम हो गया, यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी है कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट में आपकी क्वेरी के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए,
हाँ आदित्य गर्ग, आदित्य गर्ग अपनी क्वेरी पूछे। सर आपने जो 100.8 लिखा ना, उसमें सर आपने पॉइंट नहीं लगाया था, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया बेटा। हाँ सर उसमें आपने ये जो ऊपर लिखा नहीं, पॉइंट लगाया था बेटा, क्योंकि वो स्क्रीन पर ना थोड़ा सा हल्का पॉइंट होता है तो मेंशन समझ में नहीं आता है, वहां पॉइंट था। 10 से डिवाइड करने पर पॉइंट आ जाएगा ना। हाँ सर मैंने खुद सॉल्व करके देखा तो 100.8 आ रहा था। ये वाली इंटेलिजेंट बच्चों की पहचान होती है, उसको खुद से ट्राई भी करना पड़ता है, क्या पता मैंने कुछ गलत लिखा हो, इसलिए एक बार जो है डिवाइड मल्टीप्लाई करके चेक कर लें मेरा आंसर सही है अथवा नहीं, ठीक है, ये भी जरूरी होता है बेटा। ये वंश राजपूत वीडियो ऑन करें, वंश राजपूत वीडियो ऑन करें। हाँ और ये हार्दिक भट्ट वीडियो ऑन करें, हार्दिक भट्ट सुन रहे हैं आप मुझे? हार्दिक भट्ट आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? अभी हमारे पास जो है 10 मिनट है, तो थोड़ा मैं जो है कुछ क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, और इसमें ये जो है हमारे पास इन क्वेश्चंस को आप जो है थोड़ा सा जो है आप मेहनत से सॉल्व करें, समझें। वर्ड प्रॉब्लम थे, मैंने ज्यादा इसमें कुछ छोड़ा नहीं मैंने, और वे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अभी क्या है कि इसमें जो है हमारे पास अभी हमने जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ जो इक्वेशन से रिलेटेड है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसको मैं फिर से दोबारा से मैं थोड़ा सा और आगे इसको प्रोसीजर आपको बढ़ा रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लिखना अभी बंद नहीं करेंगे, और लिखना है अभी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे ऊपर अभी हो जाएंगे, टाइम है तो टाइम का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। पहला वर्ग जो है इसमें एक्सरसाइज, इस वाले एक्सरसाइज में मैं एक एक क्वेश्चन अल्टरनेट करूंगा, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा पर्याप्त, क्योंकि अब असाइनमेंट भी आपके शुरू हो गए हैं। हाँ तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। लिसन केयरफुली, x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4। अब हम यहां पर देखते हैं इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला वर्क जो होता है वो होता है नंबर नंबर को एक साइड करना, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड करना, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास ये x by 2 में से x by 3 को हम माइनस करते हैं, 1 upon 4 plus 1 upon 5। अब बेटा क्या करना है, इस 2 और 3 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 6, तो 2 से 1 3 और अगेन यार 3 1 1, दिस इज 6, 2 3 जा 6 3x माइनस 3 2 जा 6 2x इक्वल टू, और 4 5 जा वैसे ही 20, तो यहां हो जाएगा 5 plus 4। 3x में से 2x को हम यहां माइनस करते हैं, x अपॉन 6 इक्वल टू 9 upon 20, implies that x equal to 6 divide में है, 9 into 6 upon 20, यहां पर 2 से ही हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, this is 3, 27 upon यहां पर क्या हो गया 10, 27 upon 10 हो गया। आप क्योंकि numerator is greater than denominator, we divide 27 by 10 to 27, that is equal to 2 whole, 7 upon 10 is your required answer। तो हमने जो है इसे आपके लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर सॉल्व किया। सबसे पहला काम वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ कर देना,
कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ कर देना और उसके बाद फिर जो है इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर टू आपका होमवर्क रहेगा और लास्ट क्वेश्चन में आज भी एक बता देता हूं आज का, क्योंकि अभी टाइम है, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, क्वेश्चन है x प्लस सेवन, क्वेश्चन नंबर थ्री है x प्लस सेवन इक्वल टू माइनस x प्लस सेवन माइनस एट एक्स अपॉन थ्री, यर इज एट एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सिक्स माइनस का फाइव एक्स अपॉन टू। अब यहां ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल वेरिएबल है उन सबको एक तरफ, यानी कि ये पहला काम हमारा होता है x माइनस एट एक्स अपॉन थ्री, ये माइनस में है, ये आ गया प्लस फाइव एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सिक्स, ये सेवन उधर जाएगा माइनस का सेवन। हमने जो है इसमें वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, जिसके बाई में कुछ नहीं होता है वहां क्या मान लेते हैं वन, फिर इसके बाद यहां पर एलसीएम लेते हैं, दैट इज एलसीएम सिक्स, वन सिक्स जा सिक्स सिक्स एक्स, थ्री टू जा सिक्स टू एट जा सिक्सटीन एक्स, टू थ्री जा सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम कितना हो जाएगा सिक्स, हियर इज सेवनटीन फोर्टी टू। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में ये सिक्स है, ये सिक्स से सिक्स क्या हुआ कट जाएगा, अगले स्टेप में यहां पर हो गया सिक्स एक्स फिफ्टीन और सिक्सटीन माइनस का यहां पर हो गया एक्स इज इक्वल टू और यहां पर माइनस का फाइव और टू ट्वेंटी फाइव। अब हम इसको एक्स में से माइनस करते हैं, फाइव एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव, हियर इज एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव, हियर इज x equal to minus 5 is your required answer. तो इसको जो है मैंने आपको बता दिया, तो ये दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन थ्री बता दिया है और क्वेश्चन फोर इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर इज योर होमवर्क, क्वेश्चन फोर आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। सो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अच्छे से प्रॉपर, देयर आर ओनली 23 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी जो है एक बार स्क्रीन पर ले आए ताकि मैं देखूं कि जो है आपने कुछ लिखा है या केवल जो है टाइम पास चल रहा है आपका। यस, इसमें जो है अविरल कुमार की कॉपी दिख रही है, कृपांशु की कॉपी दिख रही है, ध्रुव राजपूत की कॉपी दिख रही है, आदित्य गर्ग की कॉपी दिख रही है, अविरल की देख लिया, नैतिक कुमार, ये अक्षय वार्ष्णेय कॉपी दिखाई, ये रितेश मेहरा की कॉपी दिख रही है और बाकी जिनकी वीडियो ऑफ है उनको मैं अब्सेंट मान रहा हूं कि वे प्रेजेंट होकर भी अब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, तो हमने अभी आपको जो कुछ भी सिखाया, कोई भी क्वेरी हो आप जो है बेझिझक निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अभी क्या हो रहा था जिनकी प्रॉब्लम थी उन्हीं को मैं अनम्यूट कर रहा था। अब 19 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड, अब बच्चे हमारे जो है अपने आप रिमूव हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे पास जो है टाइम शेष है, तो सभी जिनका जिनका काम होता जाए अपनी स्क्रीन पर कॉपी ला करके जरूर दिखाएं। सर दिखा दी, बहुत सुंदर, गजब कर दिया तुमने तो, कमाल करते हो साहब। सर देखिए, हाँ देख लिया बेटा, यस ये आदित्य गर्ग की कॉपी दिख रही है, अक्षय वार्ष्णेय, तुषार सेजवाल की कॉपी दिख रही है,
और वंश राजपूत मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, बहुत सुंदर। कृपांशु वर्मा की कॉपी दिख रही है, अक्षय वार्ष ने बड़ा छोटा बार बार जूम करके अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू। और ये जो है ये हावड़ा ब्रिज पर जो बैठे हुए हैं भैया अभिज्ञानवेद, थोड़ा बेटा जमीन पे भी आ जाओ। हाँ तुषार बैकग्राउंड लगा रखा था उसने अपना हावड़ा ब्रिज का। अविरल कुमार की कॉपी दिख रही है बेटा, बहुत सुंदर। तो हमारे जो है सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को तुषार ये प्रियांशु जोशी की कॉपी दिख गई, प्रियांशु जोशी एर्थवी, रितेश मेहरा की कॉपी दिख रही है। चलिए बेटा टाइम भी हो गया है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग कनेक्ट हुए और आपने मन से पढ़ाई की, इसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके बेटा प्रणाम तिवारी, प्रणाम तिवारी।